इंडिया लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं केशव पंडित, पेश है आज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। रायगढ़ जिला के ग्राम पंचायत कमरीन का तालाब गहरीकरण में किसानों को नहीं दिया गया भुगतान। ग्राम पंचायत में तालाब गहराई के लिए पंचायत के द्वारा चलाया जा रहा है नरेगा काम में मजदूरी नहीं दे रही सरकार। मजदूरों का कहना है प्रत्येक व्यक्ति का 15,000 रुपए प्राप्त होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ भुगतान। मजदूर लगा रहे हैं कलेक्टर के चक्कर, शासन के कर्मचारी नहीं दे रहे ध्यान। किसानों ने मुख्यमंत्री को आवाज दी है, सुन लो मुख्यमंत्री मेरी पुकार, किसानों का दिलवाओ अपना अधिकार। छत्तीसगढ़ से धर्मवीर कीर्ति रिपोर्ट, एक चैनल इंडिया लाइव के लिए। कोरागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र में पुलिस व नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं, वहीं एक आरक्षक के शहीद होने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 19 सितंबर को डीआर जीवा बुधवार को यह दल जब वापस लौट रही थी तो इस दौरान एम्बुलेंस लगाकर छिपे नक्सलियों ने इन पर हमला कर दिया। पुलिस आरक्षक बाल सिंह मंडावी, सहायक आरक्षक चंदन यादव, हरिचंद मंडावी घायल बताया जा रहा है। बुधवार की दोपहर मर्दापाल थाने से 15 किलोमीटर दूर आनापाल के जंगलों में शुरू हुआ मुठभेड़ देर शाम 7 बजे तक जारी था, इसके चलते घायलों तक सुविधा नहीं पहुंच पाई। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया लाइव, मैं हूं केशव पंडित, पेश है आज की स्पेशल रिपोर्ट। रायगढ़ जिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है रेडी टू फूड निर्माण कार्य में बहुत ही गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री तैयार करना, साफ सफाई का कोई ध्यान न देना और महिलाओं के द्वारा बनाए गए समूह में कोई महिला काम न करना, 10 मेंबर की कमेटी में कोई महिला काम नहीं करना आदि। जिले के अधिकांश रेडी टू फूड सेंटरों में व्यापक गड़बड़ी देखने को मिल जाएगा, परंतु विभागों के उक्त संबंध में जानकारी किए जाने के बाद भी कार्यवाही या सुधार की आशा नहीं रहती है। इसे बनाए जाने वाली खाद्य सामग्री के रखे जाने वाले निर्माण स्थलों को एक बार देखने से साहस विश्वास नहीं होगा कि इतनी गंदगी सीलन भरी जगह में खाद्य सामग्री को कैसे बनाया या रखा जा सकता है। इसका उपयोग न करने वाले बच्चे और गर्भवती महिला किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत गंभीर असर पड़ सकता है। इन मामलों का लगातार प्रकाशन के बाद न तो जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे रही, न महिला बाल विकास की इसकी सुध लेने की चिंता है। अवैध रूप से बेकरी निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। मामला ग्राम मालदा व तहसील सारगंज मेंबर अंश बेकरी एवं जनरल स्टोर प्रोफेसर प्रोप्राइटर गौरी शंकर साहू के यहाँ पर, जिसमें जानकारी लेने पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खाद्य सामग्री का संचालन किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता ही जिसमें बहुत ही अनियमितता ही गंदगी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जांच के लिए अधिकारी को सूचना देने पर आश्वासन दिया जा रहा है। जी, इस वक्त हम रायगढ़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर हमने स्थानीय कलेक्टर से मुलाकात की है और उनसे कुछ जानकारियां मांगी और उन्हें कुछ जानकारियां दी, क्योंकि यहां पर ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं जो कि उजागर किए जा रहे हैं। मामला है पीडीएस का, मामला है रेडी टू ईट का, जो ऐसा मुद्दा हो गया है रेडी टू ईट में जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि 10 महिलाओं का समूह बनाकर बनाया जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है उसकी गुणवत्ता कितनी है, और उसके बारे में हम बताना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या ये जो सुविधा गरीबों के लिए चालू की गई है और महिला समूह के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या इसमें महिलाएं इतना ज्यादा वर्क या पूरे अपने वर्क के तरफ ध्यान दे रही है, क्या ये गंदगी को पूरे अनाज में से निकाल कर जो ये अनाज जो यहाँ पर यूज हो रहा है उस अनाज की गंदगी को ये पूरे तरीके से साफ करती हैं, क्या ये महिलाएं ऐसा वर्क कर रही हैं जो कि गुणवत्ता भरा प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसमें साफ सफाई का रखता है, तो क्या जानकारी हमको ये मिल, जानकारी लेने के लिए हम कलेक्टर मैडम के पास आए हुए थे कि ये जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और रेडी टू ईट में जो मटेरियल जो तैयार हुआ है उसकी गुणवत्ता कैसी है और किस तरीके से उसे यूज किया जा रहा है। जिस प्रकार से कि अभी एक मुद्दा उठाया गया है और यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर अवैध तरीके से चलाए जा रहे काम को, निर्माण बोलना चाहिए कि हो चुका है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या यहाँ पर इस चीज को ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये काम हो रहा है इस पर कोई रोक लगानी है या इस पर कोई कार्रवाई होना अनिवार्य है। ATV न्यूज छत्तीसगढ़, सुधा बनर्जी के साथ धर्मवीर की।
किस प्रकार से मैडम यहाँ पर रेडी टू ईट और जैसे यहाँ पर फूड की जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसका कोई भी नवीनीकरण इनके पास, कई लोगों के पास नहीं है। और जो महिलाओं का जो समूह चल रहा है, महिलाओं के समूह में मैडम कई अनियमितता पाई गई है जिसके द्वारा मीडिया जो है वो यहाँ तक आकर आपको सूचित कर रही है। मैडम इसमें आपका रेडी टू ईट में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उस प्रोडक्ट में, जबकि साफ सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि वो बच्चों के लिए तैयार किया जाता है और काफी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। मैडम आपका इसमें क्या कहना है? जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित अपने जो रेडी टू ईट योजना है ना, उसके तहत हर एक सेक्टर में एक समूह, महिला समूह बनाया जाता है और उस समूह को उस रेडी टू ईट बनाने के लिए हमको उनको कार्य काम किया जाता है। अगर ऐसे कहीं स्पेसिफिक शिकायत मिलता है तो तत्काल हमने उसको जांच करके कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज ऑल्सो उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए लगातार हर महीना अपने जो सेक्टर सुपरवाइजर है या सीजीपी होता है उनको टूर शेड्यूल बना हुआ है, उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि उसको क्वालिटी का जांच किया जाए। हमने हर सेक्टर से, हर समूह से सैंपल भी बीच बीच में लेते रहते हैं और उसके लिए जांच के लिए हमको जहाँ पर एजेंसी जांच करने का वो वहाँ पर भेजते हैं और उसका जो भी क्वालिटी है उसको हम जब जांच के बाद अगर किसी का क्वालिटी खराब निकलता है उसको तत्काल हमें सस्पेंड करके कार्यवाही भी करते हैं। जिस प्रकार से मैडम यहाँ पर फूड के विभागीय जैसे बीच बीच में जाँच होती रहती है कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं और कैसे किस तरीके से क्वालिटी क्या होती है इसकी, तो इसमें भी इन लोग देने के लिए इनकार करते हैं। जो कि रेडी टू ईट वगैरह प्रोग्रामिंग चला रहे हैं उन्होंने एक भी लोगों ने पूरा पेपर्स भी अपना नहीं दिखाया, क्या पेपर्स इनके पास होना अनिवार्य नहीं? आप दो अलग अलग चीज है, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट अलग कार्यवाही अलग से होते हैं और महिला बाल विकास अलग होता है। रेडी टू ईट का जो भी है वो महिला बाल विकास विभाग से कार्यवाही होती है और रेडी टू ईट के लिए बनाने के लिए जो भी उनकी रॉ मटेरियल है जैसे चना हो या गेहूं हो, जितने भी रॉ मटेरियल का अगर मान लीजिए उसकी गुणवत्ता सही नहीं है उसको भी हम सीएम से या संबंधित अधिकारी से हम जांच करवाएंगे। इसलिए इसमें एक चीज स्पष्ट होना, फूड डिपार्टमेंट की कार्यवाही अलग होता है और होटल्स और ऐसी चीजों में होता है और रेडी टू ईट से संबंधित कार्यवाही महिला बाल विकास की। मैडम महिला बाल विकास के द्वारा ही रेडी टू ईट का प्रोग्रामिंग चलाया जाता है जिसमें महिलाओं का समूह गठित किया जाता है पहले और उसके बाद इसका जो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है वो उसके लिए जो प्रोटेक्शन होते हैं जो कि साफ सफाई का बहुत होना। दीजिए नाम बताइए। गौरीशंकर साहब ग्राम। आप जो ये यहाँ पर जो ये बेकरी में जो कुछ बनता है जी। ये फूड विभाग के अंतर्गत आता है तो आपके पास जो फूड विभाग का जो एक प्रमाण पत्र होता है क्या आपके पास है? है ना, है, हम दिखा रहे हैं। हम तो आपको बहुत देर से मांग रहे हैं तो कहे हैं हम दुकान पर लगा कर। दूसरी बात जो जो आइटम आप बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? पहले लाइसेंस तो हम फल से दे रहे हैं। सुनिए सुनिए क्या क्या चीज बनी जाती है यहाँ पे, क्या क्या चीज बनाई जाती है यहाँ पे, क्या क्या चीज बनाई जाती है? ब्रेड है, बिस्कुट है। अच्छा, फूड विभाग का जो प्रमाण पत्र आप बता रहे हैं कि आपके पास है, है। तो वो किसके नाम से है? हंस बेकरी करके है। हंस बेकरी नाम किसका है, मालिक का नाम क्या है इसमें? मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप जो ये बना रहे हैं उसकी लैब में पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद में ये आपको काम करने दिया जाता है, क्या आपके पास लैब टेस्टिंग का सामान उपलब्ध है? सब है। बताएंगे आप मेरे को लैब टेस्टिंग का किस प्रकार किया जाता है, कौन देखता है? तो बता देंगे ना, लाइसेंस लाइसेंस नहीं लैब मान लिया, लाइसेंस आपके पास है। लैब टेस्टिंग का मतलब ये होता है जो सामान आप बना रहे हैं ना उसको पहले टेस्ट करवाया जाता है लैब में कि जो सामान बन रहा है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है या खाने में कुछ उसमें ऐसा कुछ पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है जिसकी वजह से किसी को यानी नुकसान हो सकता है। फूड पॉइजन आता है उसके अंदर, है ना? तो फूड पॉइजन का बोलते हैं, क्या आपके पास है वो? वो तो नहीं है। आपके पास में जैसे ये काम कर रहे हो उसके आसपास में इतनी गंदगी है, है? वो आप लोगों को क्या शो करना चाहते हो बताइए?
ये जो गंदगी है सामने जो पड़ी हुई है, जो सामान इस तरीके से बिखरा हुआ है, ऊपर छत में जाला लगा हुआ है, सामान की पूरी गंदगी जो सामान में जा रहा है, जो सामान में जा रहा है, वो सारी चीजें जो गंदगी जो चीजें होती हैं, जहाँ से खाने की चीज को सुरक्षित रखा जाता है, वहीं पर ये खाने का सामान जो इस प्रकार से खुला पड़ा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सुरक्षित तो है जी, अब कहते मतलब साफ तो है, जहाँ काम चल रहा है वहीं पे कबाड़े की दुकान है, उधर तो है कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी का दुकान बाहर में तो है जी, नहीं तो खाना के साथ नहीं जाती क्या? कबाड़ी की दुकान रखने का परमिशन है आपको? कबाड़ी खरीदने का आपको परमिशन है? उसका लाइसेंस होता है। लाइसेंस होता है उसका? है आपके पास लाइसेंस? है ना सब आपके पास तो सभी चीजें तो दिखा। क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप लोग? हमारे गारंटी रोजगार काम के हैं, उसकी थोड़ा है, इसका भुगतान है। तो कब से भुगतान नहीं हुआ आप लोगों का? आप दूसरा महीना से काम के हैं, भुगतान नहीं हुआ। कितना भुगतान नहीं है? कितनी आपकी राशि कितनी है? हमारा राशि वो 10-15 हजार लगभग, 20 के अंदर। तो आपने कितने मजदूरों ने काम किया? वहाँ 50-60 लोग। जिनकी पूरी मजदूरी कितनी बनी? मजदूरी कोई 20-25 हजार तक बना। वजह क्या बताई जा रही है नहीं देने की? अब देंगे जाओ ब्लॉक जाओ, बहुत कह रहे हैं। तो ब्लॉक में अधिकारियों से आपने मुलाकात की? नहीं तो वहाँ पर पैसा जमा हो गया है बोल रहे हैं। जमा हो गया है लेकिन काम पैसा सिरा गया है ब्लॉक में। कब तक देने का बोल रहे हैं? अब जाओ जमा हो जाएगा तो कह रहे हैं, तो वहाँ पैसा तो नहीं खाता में आ रहा है। आप लोगों ने इस बारे में आपका जिले के कलेक्टर से बात की? आवेदन दिए हैं। कौन सा जिला पड़ता है आपका? रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में आपने कलेक्टर मैडम को जानकारी दे दी? दे दी। कलेक्टर मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? आप पावती दे दिया है? दे दिया। और कब तक पेमेंट होने का बताया है? नहीं बताया है। जिस प्रकार से हम इस समय कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं, कुछ लोग पीड़ित जो लोग हैं जिनको जिनकी रोजी रोक दी गई है, और ये आए हैं जिले से, रायगढ़ जिले से ही यहाँ के लोग हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर काम करे हैं, और उनको मजदूरी के नाम पर अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। क्या शासन इसका दोषी है? क्या शासन को ऐसी देर करने से क्या गरीबों की जरूरत पूरी होती है? इस बात को ध्यान रखते हुए शासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और जो लोग पैसे के नाम पर रोक रहे हैं उनका पैसा, जिनके पास गरीबों के पास खाने का साधन एवं उनके पास दूसरा कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे वो काम कर सके और कमाकर खा सके, जो मजदूरी में काम करने वाले मजदूर हैं उनके पैसे क्या देना इनका फर्ज नहीं बनता है? क्या इसके लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो कम पड़ जा रही है? एटीवी न्यूज छत्तीसगढ़, सुधा बनर्जी के साथ धर्मवीर की।